नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद तीसरे दिन भी एक्स पर अपनी बात खुल कर रखी है। वीरवार को कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजने के बाद उन्होंने अब तक दो पोस्ट के माध्यम से पार्टी की वर्तमान स्थिति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अजय यादव ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि मैं आत्मसम्मान में विश्वास करता हूं, क्योंकि किसी पद पर बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। 1988 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उस समय पार्टी के नेताओं के साथ खुलकर बातचीत होती थी। स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक से संवाद बना रहता था, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के आसपास कुछ गुट बन गए हैं जिसने वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे दूर कर दिया है। अपनी दूसरी पोस्ट में कप्तान अजय यादव ने तीखे शब्दों में कहा है कि किसी के पिता के सहकर्मी को अपमानित करना और बड़े नेता का बेटा होना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता और जो यह दिखाता है कि वो उसे जो कहता है वही सही है, वो सपनों की दुनिया में जी रहा है, ये पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।